कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके हैं भाई को कोई दिक्कत। भाई ये तो भाई अंडरटेकर की तरह है, देखो इसके आंखें तो देखो यार, काफी ज्यादा तगड़ी आंखें है यार। भाई क्या आंखें है इसकी, और पहला ही कस्टमर खाली है इसका। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राजप्रीत और आज हम खेलने वाले हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर 2। फाइनली हम इस गेम को खेल रहे हैं। मैंने ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर नहीं खेला और उसके बाद ये गेम लॉन्च हो गया और आज हम इसका शुरुआत करेंगे और शुभारम्भ करेंगे इस गेम के साथ। और इस नई गेम में हमें मिले सिर्फ $350 और इसके साथ साथ हमें एक गाड़ी मिली है जो एक बढ़िया सी कार है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल दिखाया जाता है कि आपको क्या कुछ करना है इस गेम में, और समझ लो कि आपको एक बढ़िया सा बिजनेस क्रिएट करना है। आपके पास एक शॉप है, एक कार है, आपको चीज़ें रिफिल करते जाना है, अपने शॉप को बड़ा बनाते जाना है जब तक वो इस सिटी का सबसे बड़ा शॉप ना बन जाए तब तक। वैसे होलसेल से लाना है हमें मार्केट से, और होलसेल मार्केट से सारी चीज़ें लानी है और यहाँ पर आकर सेल करना है। अपने पास लोगों की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ये सारी चीज़ें, जहाँ पर हम सब्जी मार्केट भी जाएंगे आज और साथ ही साथ सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। क्या कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं हम आज करने वाले हैं इस गेम में, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी शॉप पर। तो ये शॉप है हमारी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, सच बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ये, जो हम सेल भी कर सकते हैं, हमें सेल नहीं करना है, लेकिन यार हम चलते हैं इसको लेकर और इसको भी ले लेते हैं बक्से को। तो जब आप ओपन करते हैं ये डोर्स तभी आपकी शॉप ओपन होती, अदरवाइज़ ये शॉप ओपन नहीं कहलाएगी अगर आपकी शॉप के डोर क्लोज हो गए लोगों के लिए। तो फटाफट से मैं सारा सामान ले लेता हूँ, इसको कहाँ रखूँ, ओके लास्ट। आपके हाथ नहीं, बहुत ज़्यादा हाथ है, ऐसा हाथ है ना भाई, खतरनाक वाला। इसको मैं यहाँ पर रखूँ, नहीं नहीं इसको इधर ही रखता हूँ, फिर बढ़ाता जाऊँगा। ओके तो मैं इसको बढ़िया से रोटेट करके रख देता हूँ। ओके अब यहाँ पर हमारे पास है सीरियल्स, तो इसको यहाँ पर नीचे नहीं रखना है, हमें पहले इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा और फिर यहाँ पर टॉप पे मैं रख देता हूँ इसको। थोड़ा आगे चलता हूँ ताकि मुझे पता चले कहाँ पर कौन से पोजीशन पर रखना है, और हमें पहले जो है सिर्फ इनको रखना है, फिर जाके कस्टमर आना स्टार्ट हो गया यार, कस्टमर आते ही नहीं है यहाँ पर। ये ले लेते हैं, इस साइड भी ले लेते हैं, तो इसको रख देते वापस इधर के आगे एक और। तो सुपर मार्केट जैसे ही सजाएंगे हम सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया से, ताकि लोग लेकर जाए हमारे यहाँ से सारी चीज़ें। ओके इसको यहाँ पर साइड में कर देते हैं, इसको भी साइड में कर देते हैं, इसको भी साइड में कर देते हैं। तो अभी हम का लास्ट पैकेट ले लेते हैं, लास्ट पैकेट को मैं सोच रहा हूँ इसको इधर ही रख देता हूँ, अगर जगह मिली तो सबसे लास्ट में ही रखता हूँ। ओके अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेपर है, तो इसको ले लेते हैं, मेरे हिसाब से इसको लेना बढ़िया रहेगा, इसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ से हम इसको तो डालना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें पहले करनी है, उसके बाद हमें सारी चीज़ें। ऐसे कस्टमर आ रहे क्या, ये बुढ़बक हमारा काम चोर एम्प्लॉय है जो यहाँ पर काम करेगा, हमें सिर्फ रिफिल करते रहना है और इसको पैसे देते रहना है हर हफ्ते और हर डे, दिन डेली वेजेस पर रखा हुआ है इसको। फ्राइंग ऑयल है जो हमारे पास है, तो ये खाने की चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर ही रखता हूँ। आप होते तो आप कहाँ रखते हैं यार, ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं यहाँ पर उसको ऊपर ही रखूँगा ताकि यहाँ पर सारी चीज़ें सही से अच्छे से लगे यार, कि हाँ भाई एक अच्छी शॉप है जहाँ पर सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में लगाई हुई है। ये भी हो गया अपना काम। अब यहाँ पर कंप्लेन बॉक्स भी है दोस्तों, और कंप्लेन बॉक्स में क्या आएगा पता है, कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना वो चीज़ यहाँ पर आएगी,
कि हाँ भाई ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हें लाना चाहिए, अदरवाइज यार सेल नहीं होगा। जितना सेल बढ़ाना है उतना हमें चीज़ों को लाते जाना है, अलग अलग नई नई चीज़ों को। फिर यहाँ पर वो भी रख देते हैं, इसको भी रख देते हैं, ये गम हो गया। गम तो वैसे ज़िंदगी में बहुत है, पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर एफ फ्राई चिप्स, तो चिप्स वगैरह भी हमारे पास है। सारी चीज़ है यार, सही है। और यहाँ पर एक होलसेल व्यापारी है जो हमें ये सारी चीज़ें देता है सस्ते में। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि हर दिन जो है प्राइस चेंज हो गए, तो ये चीज़ देखने लायक है, हर दिन प्राइस चेंज हो गए भाई, मज़ा ही आ जाएगा। आपको सोच समझ के सारी चीज़ों को परचेज करना होगा, अगर सोच समझ के नहीं करोगे तो भाई पैसे बहुत जाएंगे, लोग आपके यहाँ से कुछ चीज़ें लेंगे ही नहीं अगर सोच समझ के नहीं ख़रीदा तो। तो मैं अभी आपको बताऊंगा वो शॉप कहाँ पर है, मैं अभी जाने ही वाला हूँ और वहाँ जाके परचेज़ करने वाला कुछ चीज़ें जो हमारे पास अभी नहीं है। एक तो मुझे ये जो एक पूरा सेल्फ है वो परचेज़ करना चाहिए, कस्टमर नहीं आ रहे यार, झाड़ फूक करवाना पड़ेगा। तो क्यू पे जाते हैं पहले, यहाँ पर हाउ टू प्ले पर सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 11 बजे अभी, और कुछ है नहीं है ना भाई। अब बैंक भी है, तो बैंक में जाने से पहले हम पहले जो है चीज़ों को देख लेते हैं क्या कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, मैकेनिक्स की है चीज़ें। और ये जो शॉप है ना, जबर शॉप जहाँ पर हमें जाना है, कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके हैं। भाई को कोई दिक्कत, भाई ये तो भाई अंडरटेकर की तरह है, देखो इसके आँखें तो देखो यार, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आँखें यार, भाई क्या आँखें इसकी। और पहला ही कस्टमर खाली है, इसका क्या कंप्लेन था, बुगू क्या है ये, बैगू इटी पता नहीं यार, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब होता है। तो भाई की आँखें काफ़ी तगड़ी थी भाई, रुक तो जरा, एक कहाँ गायब हो गया यार, ये एक और बंदा आया, इनके पैर तो देखो यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और ये कुछ लेकर गया है, बढ़िया है। अपने सेल्फ में से क्या चीज़ कम हुई है देख लो, वो चीज़ ये बंदा लेकर गया, चिप्स लेकर गया लगता है, जो भी लेकर गया है। कस्टमर आने स्टार्ट हो गए, दीदी आ गई, चलो हम चलते हैं। और हम अभी उस शॉप में जाएंगे जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखनी है कि क्या कुछ हमें लाना है सामान। और लोग आते जाएंगे वैसे वैसे हमारे टैबलेट में चीज़ें ऐड होती जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है हमारे पास नहीं है जो हमें ऐड करनी है अपने स्टोर के लिए। ओके, ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ये सिर्फ पटरिया है, रेलवे स्टेशन कुछ आगे है थोड़ा बहुत, यहाँ पर स्लो ही है, थोड़ा बहुत स्लिप हो जाता है कभी कभार। और यहाँ पर और चीज़ें है, यहाँ पर ओपन कर सकते हो। ओ भाई यहाँ पर, ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा ससुरा ख़राब रोड है, का बताए। इससे पहले भी जब हम ड्राइव कर रहे थे तो इधर ही ठुके थे, अभी भी इधर, क्या ही नसीबवा है हमारा। चलो तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नसीब को ऐसे ही नज़र रखती रहती है। ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ठीक है, हमारे पास अभी है 358 रुपये बस, 358 रुपये में क्या कर लेगा ते। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पर, और ये शॉप पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेरी में क्या कुछ आया है। ओ भाई, टिशूज, बेरी कुकी, बेरी सीरस, पेपर कप्स, ओ भाई बहुत सी चीज़ें हैं जो इसने मांगी है। ऑनियन चिप्स, ये सारी अच्छे प्राइस पे मिल रही है, पर मुझे जो चाहिए वो मैं देखता हूँ पहले। ये है टिशूज़ है, और बेरी कुकीज़ है, बेरी सिरल्स है। अब
सीरल्स, यहाँ पर सीरल्स का क्या है, पोटैटो चिप्स है वगैरह है क्या कुछ है यहाँ पर, सीरल्स है, पेरिस कीज है, तो ये ले लेते, एक हाई प्राइस में मिल रही है, मैं क्या करूँ यार, $1 ज़्यादा देना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले लेता हूँ, ओट्स कुकी, बिस्कुट्स है, ये है, सीरल्स है, ये हाई प्राइस पे है अभी, ये सारी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, नॉर्मली 30 रुपये का होता है ये, इसको और परचेस कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से आज का दिन अच्छा है मेरे लिए, ये भी एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको भी परचेस कर लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर पास्ता है जो हाई प्राइस पर मिल रहा है, और क्या चीज़ें हैं जो बताई थी, यहाँ पर बनाना है, किड्स शैम्पू है, योगर्ट है, भाई साहब इतने इनके तो क्वेरी ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई, ये पेपर कप्स जो अभी हाई प्राइस चल रहा है, $12 के चल रहे हैं, और ये शुगर है, मुझे टिश्यू पेपर नहीं दिख रहा यार कहाँ पर है, टिश्यूज ये रहा, ये भी हाई प्राइस है, $2 ज़्यादा है, तो इतना पैसा नहीं देना मेरे को, डायपर्स है भाई, ये हमें क्या काम आएगा, बाद में देखेंगे इसको, योगर्ट वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर, रिक्वायर रेफ्रिजरेटर, तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें तो हम नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ पर पहले तो इन चीज़ों को बढ़िया से रख देता हूँ, ये बॉक्सेस आराम से एक बार आ जाए ना, तो दूसरे बॉक्सेस लेने का सोच भी सकता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर ये ओट्स का बॉक्स, बहुत पैसे खर्च कर दिए मैंने, एक को मेरे हिसाब से थोड़ा टेढ़ा को करना पड़ेगा मेरे को, एक और बॉक्स मेरे हिसाब से आएगा, मैंने क्या किया पता है, ये सब खोल दिया, देखता हूँ अगर पीछे बॉक्स वगैरह आता है तो, पर पहले टैबलेट में जाके देखता हूँ क्या कुछ और क्वेरी आई है कि नहीं, और ये शैम्पू कहाँ पर मिलेगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये आगे शॉप्स है, यहाँ पर फैशन है, हाउसवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक है, कार है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, यूज फर्नीचर है, मीट की है, बेकरी शॉप है, ये बेकरी पे जाना पड़ेगा मेरे भाई, और यहाँ पर हमें सारी सब्जियाँ मिल जाएगी, पर पहले मुझे एक ये सेल्फ खरीदना पड़ेगा, पर कुछ अच्छी प्राइस में कुछ चीज़ें मिल रही है तो हम उठा ही लेते हैं, ये सेम प्राइस पे मिलेगा ही मुझे कभी ना कभी, हाई प्राइस पे है ये, अभी 12 का 9 है तो ये परचेस करने लायक है, ये 45 का है, ये कितने का है, 16 का, 18 में मिलते ही है भाई, 12 का है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, कुछ असेंशियल चीज़ें जो हमें रिक्वायर है, और कुछ है, कोला कैन भाई कहाँ से लाऊँ मैं, कोला बॉटल्स है, सोडा कैन है, कोला कैन हाई प्राइस पे बिक रहा है, ये 20 पे ही बिक रहा है, ये भी सही है, वाटर बॉटल अभी मेरे हिसाब से ये अच्छा प्राइस में मिल रहा है मेरे को, ये 8 का मिल रहा है तो ये ही ले लेते हैं, फिर देखते हैं बाकी सारी चीज़ें क्या कुछ है गुड प्राइस पे जो चीज़ें मिल रही है, वैसे इतने बॉक्सेस में ले तो लिए, लेकिन नहीं आएगा क्या, एक ही खोल तो दी मैंने, क्या आ रहा है भाई, इनके ऊपर नहीं आएगा क्या, नहीं इसके ऊपर, मैं भाई अगर इंडियन होता ना, इंडियन मतलब इंडियन कोई डेवलपर होता ना, तो वो इसके ऊपर भी रखता कि हाँ भाई इसके ऊपर भी तुम रख सकते हो, अलाउ है तुम्हें, जाने दो, को कैंसिल कर लेते हैं। ओके, अगर ड्राइव हो जाता है तो बढ़िया,
पता नहीं, मैं छूट तो नहीं गई ना, सारी चीज़ें बढ़िया से है अपने पास ही रह रही है, तो ऐसा बॉक्सेस रख सकता है अपने पास। ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को, काफ़ी ज़्यादा न्यू थी। चलते हैं अपनी शॉप की ओर, और पहले ये, अरे यार मुझे सेल्फ ले लेना था, तो चलो यार नेक्स्ट राउंड में वो लेते हैं। फिलहाल के लिए इन चीज़ों को मैं लगा देता हूँ। ये जो बिजनेस ओनर है ना, वो पक्का एक्सीडेंट में ही मरेगा, और तो चीज़ इसको मार नहीं सकती, लेकिन एक्सीडेंट ज़रूर मारेगा भाई। उसी जगह पर वापस से आपने देखा, वही सीन हुआ मेरे साथ। तो ज़्यादा स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है 60 की स्पीड है सिर्फ, इतनी तो नॉर्मल है यार। फिर मैं ये सेल्फ़ लेने जाऊंगा, सेल्फ़ लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और अपग्रेडेशन करूँ। अभी 350 रुपये पड़े हैं अपने पास, $350, 50 रुपये बोलो या डॉलर बोलो, यार सेम ही है अपने लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर $350 पड़े हैं अपने पास, और लोग आ नहीं रहे, मेरे को लग तो ऐसे ही रहा है। ओके आ तो रहे, लेकिन इन लोगों को कुछ, अबे भाई स्टील बॉडी, मैं यहाँ पर आसानी से पार्क, नहीं पार्क यहाँ पर करता हूँ पहले थोड़ा। कहाँ जा रही है मेरी धन्नो, इसको भी जो चीज़ चाहिए थी नहीं मिली भाई, मैं सारी चीज़ें लेकर आया। रुक तू भाई, क्या ठोका यार इसने, क्या ठोकी यार भाई। भाई ये लोग बहुत खतरनाक है यार, बहुत सी चीज़ें हम लेकर आए, लेकिन अच्छा हाँ सारी चीज़ें हैं ना। मैं सोच रहा भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें है नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। ये सीरियल्स का पैकेट एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं साइड में ही रखता हूँ अभी, अभी के लिए हमें नहीं यूज़ करना है इसको। ये ओट्स की जो कुकीज़ हमने लाई थी वो हम पहले रख देते हैं बढ़िया से। ये अपना बिक रहा है सामान बहुत तगड़ी तरीके से। कौन ठोक रहा है भाई मेरी गाड़ी को, ओके यहाँ पर ये, मैं ऐसा कर रहा हूँ एक एक दो दो पीस रख देता हूँ, क्योंकि जगह है नहीं वैसे भी, ऑलरेडी यहाँ पर पूरा अपना सेल्फ फुल है। जब तक सेल्फ नहीं आता तब तक हम एक एक दो दो चीज़ें रख देते हैं। सीरियल्स का पैकेट जहाँ पर हमने नहीं, ऐसा रखना नहीं है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बिक रहा है अपना फ़िलहाल के लिए, तो इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें। सेलिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही है, ये लोग यही खाता है। ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। तीन तीन आइटम रख देता हूँ फिलहाल के लिए। क्या मैं आगे भी रख सकता हूँ क्या, आगे जगह है क्या इसके पास? पोटैटो चिप्स हो गई, कितनी सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे पास है ही नहीं। और मैं सोच रहा था भाई अपना दुकान तो काफ़ी तगड़ा चलेगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास अभी है ही नहीं, जो हमें परचेस करनी पड़ेगी। ये वाटर बॉटल भी लग देता हूँ फटाफट से। इतने कस्टमर, 4 कस्टमर तो यहाँ ही खाली गए मेरे, एक कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए। पक्का मारवाड़ी हूँ मैं भाई, सच बता रहा हूँ, एक्चुअल में मैं मारवाड़ी हूँ यार। तो इस, ये लोग यहाँ पर टकरा रहे हैं, इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही है। कंप्लेंट्स में देखो, ओ भाई इतना भाई चिकन वगैरह सब कुछ मांग रहे हैं। अब मैं भाई, कौन खोल रहा है इसको,
मैं यहाँ पर चला, मैप में देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर अभी हमें सेल खरीदना है, तो मैं फर्स्ट वहाँ पर जाऊँगा और देखते हैं कैसे सेल को लाना है। क्या ऑनलाइन बुकिंग है? पहले मैं ये देख लेता हूँ। शॉप का अपग्रेड, यहाँ पर एड डिस्प्ले, यहाँ पर है न्यूज़ डिस्प्ले, एड ड्रिंक मशीन, स्नैक वेंडिंग, क्लोज डिस्प्ले, यहाँ पर है तो ये सारी चीज़ें नहीं है। शॉप रेटिंग यहाँ पर 1 है, सिर्फ 1। स्टाफ को वर्क ट्रेनिंग, डेली सैलरी 100 रुपये की है। भाई फ्लैश लाइट का ऑप्शन है यहाँ पर, ऐप स्टोर है यहाँ पर, व्हीकल ऐप ऑफर ऑन रोड सर्विस फॉर योर व्हीकल, ओके। बैंक है, ये सब चीज़ें हैं नहीं है। बिल्स, अपने पास अभी कोई बिल्स नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ वहाँ ही जाऊँ, एक सेल्फ खरीद लेता हूँ, देखते फिर परचेस होने के बाद कहाँ आता है, क्या कुछ आता है। बाकी सारी चीज़ें देखी जाएगी, पहले जाके देख तो लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं और कितने में मिल रहा है। अगर बहुत महंगा मिल रहा होगा तो पहले पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। अब देखो वापस हमारा जो एक्सीडेंट है हो गया, अब वापस यहाँ पर देखो जो है, जैसे ही हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए ना, तो यार भाई लोग लेकर जा रहे हैं बढ़िया से। एक चीज़ है, इस गाड़ी को सांट के ऊपर मतलब कर जाओ, वरना भाई खेल खत्म। अब हम जहाँ जा रहे हैं ना, ये उसके आगे, ये शॉप के आगे हैं वो। यहाँ पर ये पेंट वाला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पैसन, और ये है इक्विपमेंट। तो यहाँ से सीधा सीधा ही जाना है हमको, बिना किसी चीज़ को देखे हमें सिर्फ सीधे सीधे चले जाना है, चले जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। जहाँ पर ये चीज़ आई, और इसके पास ही है इक्विपमेंट शॉप। ये ओपन ओपन क्यों लग रहा है मेरे को, ये तो कार शॉप जैसा कुछ लग रहा है यार। और ये फर्नीचर है, तो यार फर्नीचर के सामने वाले में है, मैं गलती कर रहा हूँ यार। फर्नीचर के आगे है एक शॉप, इक्विपमेंट बोरा। कहाँ जा रहा हूँ मैं, भागे भागे आगे। यहाँ पर हमें मिल सकता है, ये सेल्फ रखा हुआ ही है इन लोगों ने पहले ही। सौ का है ये, कितने का है, 120 का। इसमें हम क्या रख सकते हैं यार, और क्या है भाई तेरे पास? ये बढ़िया लगा भाई, 2000 का, काफ़ी महंगा दे रहे ये लोग। ये क्या है, ये डंडी 100 रुपये की, भाई लाइट की, इतना महंगा चीज़ नहीं ले सकता। 1200 रुपये का सेल्फ है भाई, सस्ता और टिकाऊ भारी रखा हुआ इन लोगों ने। हाँ बाई कर लेते हैं, एक और बाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगेंगे इतने तो। और एक ये बाई कर लेते हैं, ये बड़ा वाला है, इसमें शायद ज़्यादा जो है सामान आएंगे। बस यहाँ पर बहुत हो गया हमारा काम, अब हम चलते हैं। अब बंदे के ताकत की जो है दाद देनी पड़ेगी यार, लिटरली उसने 4 सेल्फ अपने हाथ में रखे हुए हैं, मतलब स्टोर करके रखे हुए। ये तो जस्ट फॉर किडिंग गाइस, मजाक कर रहा हूँ, पर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है लिटरली। गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर हमारी गाड़ी ठुकी वापस, इस बार बचा ली मैंने, बचा ली यार, इतना ख़राब ही ड्राइवर नहीं हूँ मैं। अब हमारे पास लिटरली पेट्रोल भरवाने के भी पैसे नहीं है, तो हम अभी वापस आगे ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं रुकना यहाँ पर। कहाँ है ट्रेन की पटरिया जहाँ से हमें आगे जाना है। के लाइटें ऑफ,
अब क्या, अब हम बंद करेंगे क्या? नहीं, इतनी जल्दी शॉप बंद नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, करते रहेंगे, जी जान लगा देंगे, पर शॉप को डूबने नहीं देंगे। पर बहुत मज़ेदार है गेम, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बंदा चला गया होगा मेरे हिसाब से, वो बोल रहा होगा भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा तो काम ख़त्म हो गया। चला गया भाई, हम ही मेहनत कर रहे हैं। बीवी ने लगता है बुला दिया होगा उसको कि जल्दी आ जाना घर, वरना उसके पास से काम करवाता, आज निकलवाता बहुत सारा काम। ऐसा नहीं लगता मैंने ज्यादा ही कुछ खर्चा कर लिया इन सेल्फ पर, प्रोडक्ट्स सारे जो है। और एक कहाँ पोटैटो चिप्स आ ही नहीं रही है, मैं दो ही चीज़ आइटम बाकी है। ये पोटैटो चिप्स नीचे ही रख देते हैं, इधर आ गए, ये भी आ गए, तो कैंडी बैग नीचे रख देते हैं। लेबल वगैरह नहीं होता क्या? ये इधर ऊपर ही रख देते हैं, थोड़ा ऐसे लोगो वगैरह दिखना चाहिए यार बढ़िया से। और अब हम सुबह आएंगे और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं, पहले एक बार जमा लेते सारी चीज़ें। पानी की बॉटल्स और यहाँ पर एक और चिप्स का पैकेट। अब चिप्स का पैकेट है तो मैं चिप्स को, सारी चिप्स को ऊपर ही रखूँगा इस सेल्फ में, और वाटर बॉटल को हम यहाँ पर रखेंगे एक अलग जगह बना के उसके बढ़िया से, और यहाँ पर इसको भी यहाँ पर रखेंगे इधर। ठीक है, ये आ गया वापस, तो हमारे बॉक्सेस कंप्लीट हो गए, ये लास्ट चिप्स बाकी है जो हम लेकर वापस लगा देंगे इधर। तो हमारा चिप्स का हो गया सारा चीज़, अब हम कर देते हैं क्लोज। अब रात को कोई कस्टमर आएगा नहीं मुझे पता है, और मैं अभी घर जा रहा हूँ, और घर जाके मस्त से सो जाऊँगा। और एक और चीज़, मुझे खुद को भी खाना वाना है, अगर नहीं खाऊँगा तो भाई मैं मर जाऊँगा, मेरे को मरना नहीं है। हंगरी देखो आ गया, पर पता नहीं अब मुझे क्या ही मिलेगा खाने को, घर पे बीवी तो है नहीं जो बना के देगी। भाई पुलिस की, पुलिस वाले बोलेंगे भैया तू मार खाने का हो रखा है। चलो तो अब हम अपनी पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को डाल देते हैं, ओके, तो अंदर चलते हैं और देखते क्या कुछ है खाने को। भूखे पेट सोना पड़ेगा क्या? ये अपने घर में ही कुछ नहीं है, बाहर की तो बात ही करो, छोड़ो। सो दोस्तों, पहला दिन काफी ज्यादा मजेदार रहा, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।